प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज हम BSTCA फर्स्ट ईयर का जो कॉमन टॉपिक पढ़ रहे थे, हम नील पत्र यानी ब्लू प्रिंट, इसे हम बहुत सारे नाम से कहते भी हैं, आधार पत्र भी कहते हैं, त्रिविमीय चार्ट या त्रिविमीय चार्ट भी कह सकते हैं, या सारणी कह सकते हैं, तालिका कह सकते हैं। हमने इसके बारे में पूर्व में इसके जो वीडियो थे या जो शिक्षण संबंधी जो कार्य था वो आपको मैंने लिखवा दिया था। फिर हमने इसी के अंदर हमने पढ़ा भी था कि नृत्यपत्र का विकास किस आधार पर किया जाता है, और वो हमने होने के बाद में फिर हमने कहा था कि प्रश्न पत्र को तैयार करते समय हमें निम्न सोपानों का ध्यान में रखना चाहिए। तो हमारे निम्न सोपान थे, उसमें हमारे 6 सोपान थे, और 6 सोपानों के बारे में मैंने आपको कल वीडियो व्याख्यान के माध्यम से आपको भेजा था। उसी क्रम के अंदर आज हम पढ़ेंगे आगे, वो है हमारा इकाई जांच पत्र नील पत्र के निर्माण में सोपान। तो इकाई, हमने कोई भी विषय वस्तु की पाठ्य पुस्तक देखी है, और उन सभी पाठ्य पुस्तक वस्तु के अंदर हमने अभी तक 5 इकाइयों का विवरण देखा है। प्रत्येक इकाई के अंदर 5 पाठ होते हैं, यानी 5 अध्याय होते हैं, 5 लेसन होते हैं, और उन लेसन को आधार पर उनका अंक भार होता है कि कौन सी इकाई कितने अंक भार की है, कितने नंबर की है। तो हम पढ़ेंगे, पहला है हमारा कि शिक्षण उद्देश्यों का अंक भार देना। शिक्षण उद्देश्य, हमारे उद्देश्य, हमने जब पाठ्यक्रम का निर्माण किया था, हमने जब हमारी क्लास ऑफलाइन थी, जब हमने पाठ्यक्रम निर्माण किया था, तो उस पाठ्यक्रम के अंतर्गत हमारे 4 उद्देश्यों के बारे में हमने STC के बारे में पढ़ा था। ऐसे हमारे 6 उद्देश्य होते हैं, मगर STC के आधार पर पाठ्यक्रम के अंतर्गत 4 उद्देश्यों का विवरण होता है। तो हम 4 उद्देश्यों के अंतर्गत हमने पढ़ा है, क्या लिखा है कि इसमें उन उद्देश्यों का चुनना या लक्ष्य को चुनना जिसका अंक भार परीक्षण के आधार पर करना होता है। मतलब एक अध्यापक विद्यार्थी का जब परीक्षण लेता है, जांच करता है, मूल्यांकन करता है, तो अध्यापक किसी विद्यार्थी का जांच करने से पूर्व संबंधित प्रश्नों का पूछता है, और विद्यार्थी उन प्रश्नों का आंसर अपने पूर्व ज्ञान के आधार पर सही प्रकार से देता है, तो उनको उद्देश्य की जांच हो जाती है कि विद्यार्थी पूर्व में कितना जानता है और वर्तमान में कितना जानेगा। मतलब कहने का मतलब ये हुआ है कि पूर्व ज्ञान से ही हमारे नवीन ज्ञान में वृद्धि होती है। फिर हमने लिखा है और महत्व की दृष्टि से उनके अंग भार निश्चित करना पड़ता है। मतलब हमारे जो उद्देश्य है, और उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए एक अध्यापक विद्यार्थी के संबंध में उन उद्देश्यों को अंग भार करता है कि ज्ञान के आधार पर, अवबोध के आधार पर, ज्ञानों उपयोग के आधार पर, और कौशलात्मक यानी कौशल के आधार पर कितना कितना अंग भार होना चाहिए। तो हमने लिखा है कि जिसमें विद्यार्थियों के व्यवहार में परिवर्तन लाने हेतु उद्देश्यों में, मतलब जो उद्देश्य थे, एक अध्यापक चाहता है कि मैं ऐसे प्रश्न पत्र का निर्माण करूं या ऐसे उद्देश्यों की जांच करूं जिसके अंदर विद्यार्थी में क्या आना चाहिए, परिवर्तन आना चाहिए। मतलब विद्यार्थी के अंदर उस परीक्षण के आधार पर कितना परिवर्तन हो रहा है, कितनी उसके अंदर जानकारी है, तो उन सबको प्राप्त करने के लिए उद्देश्यों में ज्ञानात्मक, अवबोध, ज्ञानों उपयोग और कौशल पर अलग अलग अंग भार दिया जाता है। तो मतलब एक अध्यापक चाहता है कि मैं एक विद्यार्थी का ऐसा परीक्षण करूं कि जिसके उद्देश्यों पर वह अंग भार निश्चित कर सके। मतलब ज्ञान के आधार पर कितने प्रश्न होने चाहिए, अवबोध के आधार पर कितने होने चाहिए, ज्ञानों उपयोग के आधार पर कितना होना चाहिए, और कौशल के आधार पर कितना होना चाहिए। वो एक अध्यापक जब प्रश्न पत्र का निर्माण करता है, तो अध्यापक को उस विषय वस्तु संबंधित पूरी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि एक अध्यापक पूरी जानकारी के बिना प्रश्न पत्र का निर्माण नहीं कर सकता, क्योंकि प्रश्न पत्र करना कोई आसान कार्य नहीं होता है, क्योंकि अध्यापक को सभी बातों को ध्यान में रखते हुए, ये 4 उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए उन प्रश्न पत्र का निर्माण करना पड़ता है। इसी के अंदर हम पढ़ेंगे आज कि उद्देश्य पर आधारित सारणी। प्रिय विद्यार्थियों, मैं जो ये वीडियो व्याख्यान तैयार कर रहा हूँ, इसको आप अपने नोटबुक में जरूर उतारें। तो हम एक सारणी बनती है, उस सारणी को ध्यान से समझना। तो पहली सारणी जो आती है वो आती है उद्देश्य पर आधारित सारणी। कौन सी आती है?
उद्देश्य पर आधारित। तो सारणी के लिए एक फॉर्मेट में प्रारूप तैयार करना पड़ता है, और ये प्रारूप जो है इसमें क्रम संख्या, उद्देश्य, अंग भाग और प्रतिशत, ये चार कॉलम बनते हैं। और चार कॉलम के अंदर हमारे क्रम संख्या चार इसलिए देते हैं क्योंकि हमारा उद्देश्य कितना है, चार है। कौन कौन सा उद्देश्य है? ज्ञानात्मक, अवबोध, ज्ञान उपयोग और कौशल। कौशल का मतलब होता है कि हमारे जो चार कौशल है उन कौशल के आधार पर हमें अंग विभाजन करना है। अध्यापक चाहता है कि मैं प्रश्न पत्र ऐसा निर्माण करूं जिसके अंदर बालक के अंग भार का विभाजन हो। तो हमने एक अध्यापक जब प्रश्न पत्र निर्माण करता है तो ज्ञानात्मक के आधार पर उसने चार अंक भार दिया, कितना दिया, चार अंक भार दिया। और उसी तरह अवबोध के आधार पर उसने अंग भार चार दिया। उसी तरह अगला जो थर्ड टॉपिक है वो है ज्ञान उपयोग। तो ज्ञान उपयोग के अंदर उसने अंग भार आठ दिया और कौशल के आधार पर अंग भार चार दिया। तो कहने का मतलब जो हम ब्लूप्रिंट पढ़ने जा रहे हैं उसका अंग भार है हमारा कितना है कि वो है 13 प्रश्न बनेंगे और अंग भार बनेगा हमारा 20। मतलब अंग भार कितना हमारा 20 है और प्रश्न पत्र कितना बनेंगे, प्रश्न बनेंगे 13। तो हम जब अंग भार का टोटल करते योग करते हैं तो योग कितना आना चाहिए, 20 आना चाहिए। तो 20 आता है तो प्रतिशत हमेशा 100 से होता है, कितने का होता है, 100 का होता है। और 100 होने के बाद जब हम 100 आता है तो 20 आया तो 20 बन जाए 100। मतलब हर संख्या को 5 से गुना करना है, मतलब 4 बन जाए 20, 4 बन जाए 20, 8 बन जाए 40, 4 बन जाए 20, यानी इन सबको टोटल करते हैं तो नीचे 100 आता है। हम इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए और हम लिखेंगे, मगर इसकी पूर्व में जानकारी मैंने दी थी। तो प्रिय विद्यार्थियों इस टॉपिक को आपको ध्यान से उतारना है, आगे हम पढ़ेंगे। तो अब इसी के अंदर पढ़ता हूँ, इस टॉप पढ़ता हूँ विद्यार्थी। हमने ये पढ़ा जो सारणी पढ़ी है उद्देश्य पर आधारित, और उद्देश्य पर आधारित ये सारणी को आपको अपनी नोटबुक में तैयार करना है। इसी के क्रम के आगे अंदर हम अगला टॉपिक जो है इसी में पढ़ेंगे वो है विषय वस्तु के अनुसार अंग भार निर्धारण देना। मतलब विषय वस्तु के अनुसार अंग भार का निर्धारण करना। मतलब हम जब किसी पाठ्य पुस्तक पढ़ते हैं तो पाठ्य पुस्तक में से एक इकाई हम लेते हैं तो उन इकाइयों में से हमें ऐसे पाठों का चयन करना है जिसका अंग भार हमें देना है। तो अंग भार विभाजन करने के लिए हमें इसमें लिखना पड़ेगा। तो सेकंड नंबर जो पॉइंट है वो है हमारा, मैं लिखवाऊंगा इसी के अंदर आगे, वो है विषय वस्तु पर आधारित। तो विषय वस्तु पर आधारित जब हम अगर देखते हैं तो उसमें हम लिखना पड़ता है कि इसमें किसी भी विषय वस्तु पर आधारित विभिन्न पक्षों के आधार पर जिसमें पाठ्य वस्तु को तथा इकाइयों को और उप इकाइयों को विभाजित किया जाता है। इसको पाठ्य वस्तु को, इकाइयों को और उप इकाइयों को, क्योंकि एक किताब के अंदर भी हमारे 5 इकाई होती हैं और उन इकाइयों के अंदर भी हमारे उप इकाइयां होती हैं। तो उन उप इकाइयों में से प्रत्येक उद्देश्यों को तथा प्रश्नों को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक एक एक इकाइयों को अलग अलग अंग भार निर्धारण करना है। तो हम इसी प्रकरण को आगे हम जो प्रकरण हम समझाएंगे इसी के अंदर उस प्रकरण को हम अगले वीडियो व्याख्यान के माध्यम से समझाऊंगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।